Welcome everybody to the new video. So today we are playing as a Quinton with no Mythra and boil over build. So it's very strong build. I hope you will like this video. Consider subscribing as we are close to 500 subs and we have target that if we reach this goal of 500 subs before June end, then we will do 2 giveaway of DBT characters, a killer or a survivor to 2 lucky winners. So as you know, as you have seen that killer aaya hai hamare match mein and it's very frustrating. Ek bande ko tang bhi diya hai aur ek jain hone wala hai and I can see the uska totem. Okay, so now he came to kick the jain. I will not rescue her because wo direct wahan se jump karega and he can easily hit me. वो चेज़ कर रहा है. ओके, सामने से आ गया. यहाँ पे कोई पैलेट नहीं, हमें सामने जाना पड़ेगा एंड सामने डेड जोन है तो हम मर ही जाएंगे. ओके, हमने स्टन किया और फिर भी वी आर डेड, बट नो इश्यू, हमारे पास बॉयल ओवर है. ओ, ये दरवाज़ा टूट रहा है. आई थॉट ही विल नॉट ब्रेक इट. ओ माई गॉड, अमेजिंग फ्लैश लाइट. सो बी फ्री हैज़ डन अमेजिंग फ्लैश लाइट एंड सेव्ड अस. और अभी भी वो टॉर्च कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द किलर, बट उसी के पीछे हैं अभी भी. आई थिंक वी शुड ट्राई टू सेव हिम क्योंकि ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड. यहाँ पे ऊपर एक जैन हो रहा है, एक जैन टोटल हो गया है और एक ऑलमोस्ट 20% हुआ है. हम ये टोटेम तोड़ देते हैं, एक्स वाला टोटेम है इसका. हमें स्नैप आउट करना पड़ेगा बिफोर वी डू जैन. जैन हमारा हो गया है, सो 3 जैन रिमेनिंग. उसको उठा लिया है बी फ्री को. कैन वी सेव हिम? आई विल ट्राई टू सेव हिम बिकॉज उसने बहुत अच्छा फ्लैश लाइट करके हमें बचाया था, वो भी डेड जोन में. तो ऊपर ही उसको टांगा है. ओके, सो ही इज कीकिंग द, लाइक ही इज ब्रेकिंग द पैलेट. अब वो कैम्प कर रहा है. हाँ, वो इधर ही ऊपर ही है, कैम्प कर रहा है. आई डोंट नो इफ आई कैन सेव हिम. ओके, वो अहमद के पीछे हैं. या वी कैन सेव हिम, वेरी गुड. सो वी शुड नॉट, या ही इज कमिंग बैक. वो फिर से बी फ्री के पीछे पड़ गया है. कैन आई सेव हिम? ओ, ही ऑलरेडी पिक्ड हिम. अब तो नहीं होगा टॉर्च. इसके पास बॉयल ओवर है तो आई थिंक शायद ये बच जाए. वी विल ट्राई टू फ्लैश हिम हियर. पहले ही फ्लैश चालू कर देते हैं तो डायरेक्ट उसकी आँख में आ जाए. नाइस, देखो हो गया. सो बॉयल ओवर था तो ठीक से उसको ग्रैब भी नहीं कर पा रहा था, चल नहीं पा रहा था ठीक से. वो अभी भी बी फ्री के पीछे है. आई थिंक वो नॉक हो ही जाएगा यहाँ पे. यहाँ पर पैलेट नहीं था. या ही इज डाउन. और अब किलर स्मार्ट है, अब वो बॉल की तरफ देख के उसने उठाया. वो थोड़ा हो गया था ब्लाइंड, वो बच गया. देखो भाई, उसने हिट नहीं मारी, मैं भी शायद नॉक हो जाता. उसके पास बॉयल ओवर था तो उसने रिस्क नहीं लिया. यहाँ पे अहमद बैठा हुआ है, हमने ब्लाइंड कर दिया, वेरी गुड. अब वो हमारे पीछे आएगा ऑब्वियसली, हमने बहुत उसको परेशान किया. ओके, बी फ्री फ्री हो गया है फ्रॉम द हुक. अभी वो अहमद के पीछे, उसको एक हिट मारी है. वी विल ट्राई टू हील बी फ्री. स्नैप आउट करना पड़ेगा पहले हमें भी, वो भी कर रहा है, हमें भी करना पड़ेगा. हील भी हो गया है, वेरी गुड. अहमद को टांग दिया है. एट द सेम टाइम एक बंदा और हमारा चैन कर रहा है और किलर आ गया हमारे पे, विच आई एक्सपेक्टेड. आई हैड टू ड्रॉप दिस पैलेट इन द फ्यूचर बिकॉज वो, ओके, ही इज यूजिंग हिज पावर, सो आई हैड टू ड्रॉप दिस पैलेट. ओके, गोल्डी इज डूइंग चैन एंड अहमद बच गया है. अभी भी वो हमारे पीछे हैं. यहाँ पे पैलेट नहीं है, वी हैव टू गो एट सम अदर डायरेक्शन. या वी कैन लूप हिम हियर.
क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गया है। ये भी पहले डाउन करना पड़ेगा। लोल वो गिर गया भाई, वो हॉल में से गिर गया। ओके शॉट इनकमिंग, हमें स्नैप आउट करना पड़ेगा वापस। ये बहुत ही यूज़ कर रहा है अपना पावर डॉक्टर। अभी वो नीचे हैं फिलहाल बीफ्री के पीछे। ही हैड टू ड्रॉप दिस पैलेट। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है वो? पावर यूज़ कर रहा है अपना ऑफिस। वो हम टॉर्च नहीं कर पाएंगे, हमारे पीछे आएगा फॉर श्योर अब। हाँ सी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक लूपिंग है लेकिन मैंने वो मिस कर दिया, ऊपर से पूरा लूपिंग था। हमें पहले ड्रॉप करना पड़ेगा। वो ब्रेक कर रहा है, ओके नाइस। नाउ यू कैन लूप फॉर 1-2 times हियर। तब तक गोल्डी बच जाएगा। ओ माय गॉड, उसने इधर लेडर ही नहीं देखी भाई। चलो और हमें एक लूप मिल गया। सो दिस इज अ गुड लूपिंग एरिया। बहुत पास आ गया, हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके वी फेक्ड इट, नाइस। उसने पावर यूज किया वापस। अब ड्रॉप करेंगे हम। वापस वो ओके यूज़ किया उसने पावर। हमको इधर ही उसको घुमाना पड़ेगा फॉर आई थिंक 1-2 loops। नाउ वी हैव टू ड्रॉप इट। बहुत नज़दीक आ गया वो। ही इज़ ब्रेकिंग द पैलेट। ओके सो हम हील कर देते हैं। ओके सो वो अहमद भी डाउन हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सेव हिम, लेकिन नहीं हो पाएगा। ओके जनरेटर हो गए सभी। आई थिंक अब वो कैम करेगा फॉर श्योर। हम ट्राई करते हैं कि दोनों एग्जिट गेट पहले खोल देते हैं, देन वी विल ट्राई टू सेव अहमद। सो द थिंग इज आई वॉज प्लेइंग विद द रैंडम पीपल, सो आई कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली विद देम। यप, समवन इज ओपनिंग द डोर। गोल्डी खुल रहा है, चलो उसको हील कर देता हूँ, फिर आई विल गो टू सेव अहमद। वो अभी बी फ्री के पीछे, बी फ्री का लास्ट हुक है एंड वो इंजर्ड है, विच इज़ अ बैड साइन फॉर अस। चलो वो बी फ्री आई थिंक उधर ही ट्राई कर रहा है उसको बचाने की, अहमद को। आई होप कि चारों बंदे निकल जाएं, बिकॉज इट्स अ नाउ इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। कैम कर रहा है फॉर श्योर। अब वो मेरे पीछे आया, ख़त्म भाई। वापस जा रहा है वो अहमद और इंडियन गोल्डी के पीछे। अब बी फ्री के पीछे चला गया। सो जिसके जो इंजर्ड है उसके पीछे जा रहा है, सो दैट ही कैन गेट 1 kill। चलो हम 3 तो आ गए। आई डोंट थिंक वी विल एबल टू सेव बी फ्री। लेट्स ट्राई टू, बिकॉज टाइम भी बहुत कम है अभी। वी वॉन्ट एबल टू सेव हिम, हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। सो जीजीज। सो दिस इज अ गेम 2 वेयर वी आर प्लेइंग विद द सेम बिल्ड अगेंस्ट अ फ्रेडी किलर। सो आई होप यू विल लाइक इट एज वेल। एंड दिस टाइम वी आर प्लेइंग विद सम गुड प्रो प्लेयर्स इन अ रैंडम स्क्वाड। सो लेट्स फाइंड अ जनरेटर फर्स्ट। चलो मेरे को एक जनरेटर दिख गया, फ्रेडी है। सो ऑब्वियसली भाई क्या पर्क्स लाया है, क्या एड ऑन लाया है भाई, कुछ नहीं पता है। तो टेक केयर। हमारे पास आ रहा है क्या फ्रेडी? आ गया, आई सो हिम। बच गया भाई, वो डायरेक्ट ग्रेव कर लेता हूँ। नाउ वी हैव टू ड्रॉप द पैलेट। रिस्क नहीं लेना है बिकॉज पिंग भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है और हिट बॉक्स भी खराब हो सकता है इसका। विल ड्रॉप दिस टू। लॉरी है इधर। अब वो हमारे पीछे नहीं आ रहा है।
I'm just trying to save this fang. अगर हो पाए अगर लेकिन वो नीचे है, दैट्स द इश्यू. और हमारे पास नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है प्रॉपर, तब तक तो भटक जाएगी. अब वो क्रिस्टन के पीछे पड़ा था, अब हम जैन कर लेते हैं. वो ऊपर घुमा रहा है, सॉरी घुमा रही है लॉरी. और आई थिंक तीनों बंदे ऊपर हैं. वी आर द वन ओनली डूइंग जैन. एट लीस्ट वी कैन डू 40-50%, तो फिर बाकी के लोग कर पाएंगे इफ द किलर कम्स हियर. एंड द गुड पार्ट इज ही हैज नॉट ब्रोक दिस वॉल और डोर. लेट मी ओके, आई कैन सेंस दैट ही इज जस्ट अबव अस. फिलिक्स घुमा रहा है उसको, चलो वो नीचे आ गया, हमको भागना पड़ेगा. फिलिक्स हमें भी मरवाएगा क्या? ओके या द किलर इज कमिंग हियर. मैं तो पहले से इंजर्ड हुई. वो फिलिक्स से पीछे ही जा रहा है, फिलिक्स नीचे ही था. सो देखते हैं हम शायद फिलिक्स 9 को जाए तो उसको बचा पाएंगे या नहीं. वो ऊपर आ जाए तो, लेकिन वो लॉरी के पीछे चला गया तो हम जैन करने जाते हैं. चलो पहले फिलिक्स को हील कर देते हैं, उसको हील चाहिए. अब जैन कर देते हैं फटाफट. ऑलरेडी 30-40% हो गया है. वो ट्राई कर रहा है मेरे को हील करने का, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई नो माइथर है मेरे पास. किलर आ गया वापस, वापस चला गया. और अभी वो फैंग के पीछे है. सो लेट्स कंप्लीट दिस जैन. वो दोनों ऊपर घुमा रहे हैं मस्त. जैन हो गया. लेट्स ट्राई टू ओपन द डोर सो दैट वी फोर कैन एस्केप टुगेदर. चलो फैंग इज ओपनिंग द डोर विच इज़ अ गुड साइन. और ऑब्वियसली इसमें डोर ढूंढना बहुत ईजी है. वो हमारे पीछे पड़ गया, अब हम गए भाई. हमको अगर उसने नॉक कर दिया देन ही विल कैंप अस फॉर श्योर. आई एम जस्ट गोइंग अपोजिट ऑफ द डोर. वो फिलिक्स आ गया हमको बचाने. फिलिक्स हिट ले लेगा. नाइस, तो फिलिक्स ने ब्लॉक ही कर दिया भाई उसको, फ्रेडी को. भाई उसने हीट ले ली. फिलिक्स नॉक नहीं होना चाहिए भाई. चलो जी जी, एवरीवन इज अ प्रो प्लेयर एंड हैव एस्केप्ड. तो या जी जी, इज वेल प्लेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.